क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जिंगर शवारमा। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे शवारमे की, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून ईस्ट, नमक 1/2 टीस्पून, चीनी हमें चाहिए 1 टीस्पून, ऑयल चाहिए हमें 4 टेबलस्पून और हसबे ज़रूरत नीम गर्म दूध चाहिए। आप पानी भी ले सकते हैं, मैं दूध ले रही हूँ। सबसे पहले मैदे में हम ईस्ट डालेंगे, चीनी डालेंगे, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, नमक डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके नीम गरम दूध डालेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। अब इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे, तो ये सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे, अब तक जब तक ये चिपकना बंद ना हो जाए। 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। डो हमने गूंद लिया, अब इसे राइज होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। इसे कवर करेंगे हम। इसको हमने कवर कर दिया, अब इसे राइज होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1/2 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। तो ये लंबाई में कटा हुआ चिकन है 1/2 किलो। 1/4 कप सिरका है, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर है, आप चाहें तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून और 1 अदद अंडा। ये हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जितनी देर हमारी डो राइज हो रही है उतनी देर हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन में हम डालेंगे सिरका, लहसुन पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर और 1 अदद अंडा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे में हमारी डो राइज हो गई है, अब इसे हम बेलेंगे, पंच करेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे और डो को निकाल लेंगे। इसको अच्छे से गूंदेंगे। और इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह पेड़े बना के रखते जाएंगे, बाकी के सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने बना लिए, अब इन्हें बेल के हम पीटा ब्रेड तैयार करेंगे। तो पीटा ब्रेड हम पैन में बनाएंगे। तो एक पेड़ा लेंगे, इसको हम बेलेंगे। तो ये हमने बेल लिया, अब इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए राइज होने देंगे। उसके बाद हम पीटा ब्रेड तैयार करेंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से राइज हो गई, अब इसे पैन में हम पकाएंगे। पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अच्छे से गर्म करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। अब इसे हम पैन में डाल देंगे। जैसे ही ऊपर बबल आना शुरू होंगे हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बबल आना शुरू हो गई है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 5 मिनट लगेंगे पकने में। अच्छे से ये पकना चाहिए अंदर तक, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, ऊपर वाली साइड को कलर देंगे। अब इस पे ऑयल लगाएंगे हल्का सा, फिर से ये वाली साइड चेंज करेंगे। इस पे भी ऑयल लगाएंगे हल्का सा, अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे।
इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। पीटा ब्रेड हमारी सारी तैयार हो चुकी है, ये देखें, अब इसे साइड पे कर देंगे। चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। चिकन को कोटिंग करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा लिए हमने 1 कप, कॉर्नफ्लोर लिए हमने 1 टेबल स्पून, नमक लिए हमने 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। मैदे में हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक, लहसुन पाउडर, पेपरिका पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे चिकन की कोटिंग करेंगे। एक प्लेट लेंगे, चिकन को लेंगे, इस तरह ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे। फिर से इसे डिप करेंगे जो हमारा बैटर है उसमें। और फिर से इस पर कोटिंग करेंगे। और इसी तरह इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये सारी कोटिंग हो गई है, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये एक एक करके मैं इसमें डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो है क्योंकि ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। चिकन सारा हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम शवारमा तैयार करेंगे। जिंगर शवारमे के लिए हमारी चीज़ें तैयार हैं। पीटा ब्रेड भी तैयार है, चिकन भी तैयार है, और केचप लेंगे हम, म्यूनिज लेंगे और आइसबर्ग लेंगे। बटर पेपर लेंगे, उस पर हम पीटा ब्रेड रखेंगे। पीटा ब्रेड ली, अब इसमें म्यूनिज लगाएंगे। मायनीज हमने लगा लिया, अब इस पर चिकन रखेंगे। ये देखें चिकन कितना अच्छा कुक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब इस पर केचप डालेंगे, आइसबर्ग डालेंगे और इसको रोल कर लेंगे। ये तैयार है हमारा जिंगर शवारमा, इसी तरह सारे बना लेंगे। तैयार है बहुत ही मज़े के जिंगर शवारमे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।